आदाब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल शमाए उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे NIOS क्लास 12 सबक नंबर 27 सियासत का पहला सवाल। अगर आपको नोट्स, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, TMA, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहला सवाल है, हिंदुस्तान और रूस के दरमियान तआवुन की दो शोबे क्या है? मतलब वो दो कौन से शोबे हैं जिसमें हिंदुस्तान रूस के साथ क्या करता है, तआवुन करता है, एक दूसरे की मदद करता है। तो पहला है इसका पॉइंट कि हिंदुस्तान की दिफाई ज़रूरियात एक बड़ा हिस्सा रूस से हासिल किया जाता है। मतलब दिफाई ज़रूरियात का मतलब ये है कि वो रूस से जो है बहुत सारे चीज़ें ख़रीदता है जो दिफाई ज़रूरियात पर मुनासिब होती है। आप इन्हें कुछ हथियार के नाम से भी कह सकते हैं। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान अमन, दोस्ती और तआवुन का मुआहदा है। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान जो है अमन, दोस्ती का और तआवुन का मुआहदा भी है, जो पहले 1971 में 20 साल के लिए किया गया था, जो 1971 में किया गया था और ये 20 साल के लिए किया गया था, और फिर इसे 1923 में इसे मज़ीद 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और 1993 में इसे 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। भारत में सोवियत यूनियन की मदद, माली मदद से भलाई में स्टील फैक्ट्री लग चुकी है। भारत में सोवियत यूनियन की मदद से जो है स्टील फैक्ट्री इनकी लग चुकी है। तो ये सारे जो है ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान और रूस के दरमियान, दोस्ताना ताल्लुकात हैं और 20 साल का जो है मुआहदा है। अगला सवाल है इसका, इसमें सिर्फ दो ही सवाल थे कि रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका यानी USA के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात की वजाहत करें। मतलब इनके साथ क्या ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ? दो कौमें जमहूरियत पसंद है। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों कौमें जो हैं हिंदुस्तान और अमेरिका, ये जमहूरियत पसंद है यानी डेमोक्रेसी है। यहाँ पर, यहाँ पे भी हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी है और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं। दूसरी बात है, दोनों कौमें इंसानी हकूक़ पर यकीन रखती हैं। हिंदुस्तान भी इंसानी हकूक़ पर यकीन रखता है और अमेरिका जो है ये भी इंसानी हकूक़ पर यकीन रखता है। ये भी कहता है कि भाई दोनों पर यकीन है। अमेरिका ने तीसरी दुनिया के गरीब अकवाम को माली मदद दी है और अमेरिका ने जो है तीसरी दुनिया से, मतलब NIM नॉन एलिजन मूवमेंट यानी जो नावस्था तहरीक से जुड़े हुए हैं, जो ना तो आपका ताकतवर के साथ हैं ना कमज़ोर के साथ हैं, बल्कि वो बिल्कुल अलग ही दुनिया में हैं, तीसरी दुनिया में हैं, उनको भी जो है अमेरिका ने क्या करी है, गरीब अकवाम की माली मदद जो है दी है। और जो तीसरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान भी आता है। दोनों मुल्क दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं और दोनों मुल्क जो पूरे तौर पर दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं, दोनों पसंद नहीं करते इस चीज़ को कि किसी मुल्क में जो है अमन ख़राब हो, लड़ाई झगड़े हों, फसाद हो। दोनों मुल्क के अंदर ये ताल्लुकात हैं और यही दोनों मुल्क चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे, चैन रहे, और दोनों मुल्क तरक्की करना चाहते हैं। हालाँकि वो अभी भी जो है हमसे काफ़ी आगे है ये टेक्नोलॉजी में, क्योंकि भाई वो अमेरिका है। और जो है इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी एक दिन बहुत तरक्की करेगा और इसे भी लोग अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल के नज़रिए से जानेंगे। तो ये थी आज की वीडियो जो कि मैंने आपको सबक नंबर 27 की समझाई। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। शुक्रिया।